भारतवासियों से अपील करता हूँ पर्यावरण एवं मैं भी अपने गुरुदेव कारी साहू के नेतृत्व में एक पेड़ लगाई हूँ का 20,000 पेड़ लगाने का निर्णय लिया हूँ, जिसमें हमारे छात्र छात्राएं भी सहयोग कर रहे हैं। आज प्रकृति काफ़ी प्रदूषित हो गया है, इसलिए उस प्रदूषण से बचाने के लिए, जीव जंतु को संतुलन बनाने के लिए वृक्षारोपण अभियान आवश्यक है सके और वर्षा भी नियमित समय से होता रहे, यही हमारा संकल्प है। पूरे इलाके में मेरा अभियान आज के दिन में 20,000 आंवला का पेड़ लगाने का है। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज पूरे देश में बड़ी धूमधाम से गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है। इस अवसर पर समिधा वेलफेयर सोसाइटी के सचिव कारी साहू के नेतृत्व में 20,000 आंवला का फलदार वृक्ष लगाने का संकल्प लिया गया। पेड़ प्रकृति की रक्षा को लेकर संकल्प लिया गया है। इस अवसर पर भारतवासियों से अपील भी की गई कि प्रत्येक नागरिक को एक एक पेड़ आवश्यक लगाए। इस अभियान में समिधा कोचिंग सेंटर के शिक्षक प्रोफेसर कमलेश कुमार, इंजीनियर अमलेश कुमार, पुष्पांजलि कुमारी, राहुल कुमार, विवेक कुमार, इंजीनियर प्रिया कुमारी, नवीन कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता मोनू कुशवाहा, चंदन पांडे, मोहम्मद हाफिज, राकेश निषाद, निधि कुमारी, रोशनी कुमारी, मुस्कान कुमारी, अनीसा कुमारी, रेखा कुमारी, प्रियंका कुमारी, अनुष्का कुमारी, खुशी दिव्य प्रकाश, खुशी कुमारी, अनु सहित सैकड़ों छात्र छात्राओं ने भाग लिया। साथ ही वृक्षारोपण प्रत्येक सरकारी दफ्तरों, विद्यालय, धार्मिक स्थलों और सामुदायिक स्थानों पर वृक्ष लगाने का संकल्प कोचिंग के सचिव कारी साहू के नेतृत्व में 20,000 फलदार वृक्ष लगाए जाएंगे, जिसको लेकर यह पहल की शुरुआत आज से कर दी गई है। भारतवासियों से अपील करता हूँ पर्यावरण एवं जीवन की रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक पेड़ अवश्य लगाएं। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैं भी अपने गुरुदेव कारी साहू के नेतृत्व में एक पेड़ लगाई हूँ। आज प्रकृति में बहुत प्रदूषण फैल रही है, जिस कारण से पेड़ लगाना बहुत ही आवश्यक है। आज हमारे कोचिंग में कारी साहू के नेतृत्व में एक एक पेड़ लगाया जा रहा है। आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन कारी साहू के नेतृत्व में एक एक पेड़ लगा सभी बच्चे एक एक पेड़ लगा रहे हैं सभी बच्चे एक एक पेड़ लगा रहे हैं सभी हम सभी भारतवासियों से अपील करते हैं कि सभी एक एक पेड़ अवश्य लगाएं। मेरा नाम रोशनी शर्मा है। मैं पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। पर्यावरण आजकल प्रदूषण के कारण हमारा पर्यावरण बहुत ही प्रदूषित हो चुका है, इसलिए हमारे गुरुदेव श्री कारी साहू ने पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ वृक्षारोपण का आयोजन शुरू किया। आज गुरु पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर हम सभी उनकी सहायता कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में हम सभी एक एक पौधा लगा रहे हैं। आप सभी भारतवासियों से अपील है कि आप भी इस प्रकृति को सुरक्षित रखने के लिए आप हमारा सहयोग करें और एक पेड़ अवश्य लगाएं। मैं अनीसा कुमारी। आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर वृक्षारोपण हमारे कोचिंग सेंटर समिधा कोचिंग में हो रहा है, कारी साहू निर्देशक करवा रहे हैं। मैं सभी भारतवासियों से कहना चाहती हूँ, अपील करती हूँ कि आप भी एक पौधा अवश्य लगाएं। पौधा हमारे जीवन के लिए बहुत बहुत कार्य की बहुत सुविधाजनक है। इससे हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है, इससे हमें छाया मिलता है। फल का पेड़ लगाते हैं तो हमें फल प्राप्त होता है। इसीलिए मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि आप सभी भी एक पेड़ अवश्य लगाएं। तमाम भारतवासियों से अपील करना चाहती हूँ कि हर व्यक्ति प्रकृति की सुरक्षा के लिए अपने घरों में एक पेड़ अवश्य लगाए। मैं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने गुरुदेव कारी साहू के नेतृत्व में एक पेड़ लगा रही हूँ और आप सबसे ये निवेदन करती हूँ कि आप सभी अपने घरों पर एक एक पेड़ अवश्य लगाएं और प्रकृति को प्रदूषित होने से बचाएं। आज गुरु पूर्णिमा है, मैं अपने गुरुदेव के याद में
गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मय श्री गुरुवाय नमः। अपने गुरुदेव के याद में मैं पूरे इलाके में हर सरकारी संस्थानों पर एक एक आंवला का पेड़ लगाने का, 20,000 पेड़ लगाने का निर्णय लिया हूँ, जिसमें हमारे छात्र छात्राएं भी सहयोग कर रहे हैं। चूँकि प्रकृति की रक्षा करना, जीवन की रक्षा करना है, जब तक प्रकृति की रक्षा नहीं होगी तब तक जीव जंतु की रक्षा नहीं होगी। आज प्रकृति काफ़ी प्रदूषित हो गया है, इसलिए उस प्रदूषण से बचाने के लिए, जीव जंतु को संतुलन बनाने के लिए वृक्षारोपण अभियान आवश्यक है। अतः अपने देशवासियों से भी हम अपील करते हैं कि आप सभी व्यक्ति एक एक पेड़ अवश्य लगाएं, ताकि प्रकृति का संरक्षण हो सके, सुरक्षित रह सके और वर्षा भी नियमित समय से होता रहे। यही हमारा संकल्प है। पूरे इलाके में मेरा अभियान आज के दिन में 20,000 आंवला का पेड़ लगाने का है। कहाँ पर सब लगाएंगे? जितने सरकारी संस्थान हैं उन संस्थानों पर लगाएंगे, जैसे विद्यालय हुआ, थाना हुआ, ब्लॉक हुआ, डाकघर हुआ, उन तमाम संस्थाओं पर जहाँ सामुदायिक सेंटर है, जहाँ समूह में लोग रहते हैं, उन लोगों के संस्थाओं पर हम इस पेड़ को लगाएंगे। ग्रामीण इलाकों के लोगों से क्या अपील करना चाहिए? पेड़ पौधे अधिक काटे जा रहे हैं। ग्रामीण इलाके के लोगों से अपील करना चाहेंगे कि आप पेड़ पौधे को काट करके आप प्रकृति के लिए अभिशाप पैदा कर रहे हैं। अतः पेड़ पौधे आप ना काटें, पेड़ पौधों की रक्षा करें, उसको बचाएं, क्योंकि पेड़ पौधे जब बचाएंगे तभी आपका जीवन बचेगा। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।